मास्टर हॉकी प्रतियोगिता के लिए सोलन की महिलाएं खूब पसीना बहा रही हैं। सोलन को जीत दिलवाने के लिए महिलाएं ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। मास्टर हॉकी प्रतियोगिता ने उन महिलाओं में फिर से खेल भावना जागृत की है जिनकी हॉकी 70 के दशक में धड़ाधड़ गोल उगाला करती थी। आज वही जज्बा उनमें फिर से देखने को मिल रहा है और वे सोलन का परचम बिलासपुर में होने जा रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लहराना चाहती हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करना चाहती हैं। यही वजह है कि वे दिन में करीब 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर हॉकी की यादों को ताजा कर रही हैं। हॉकी प्रतियोगिता के लिए पसीना बहा रही महिलाओं ने बताया कि वे मास्टर हॉकी प्रतियोगिता के लिए बेहद उत्साहित हैं और जब से उन्हें पता चला है कि बिलासपुर में मास्टर्स हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है तो उन्होंने सभी सीनियर महिलाओं को एकत्रित किया है जो करीब 40 वर्ष पहले हॉकी खेला करती थी और अब वे सोलन को जीत दिलवाने के लिए लगातार अभ्यास कर रही हैं ताकि वे राज्य स्तर पर जीत हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन कर सकें। मेरा नाम मंजू रघुवंशी है और मैं सोलन से हूँ। जब से हमें पता चला कि मास्टर स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में कि सिटीजन महिलाओं को और युवाओं को हॉकी खेलने का मौका मिल रहा है तो हम सारी जितनी भी सीनियर लेडीज थी खुशी का ठिकाना ना रहा। और उसी दौरान हमने जो पिछले 30-35 सालों से जो हम लोग जैसा हमें जुनून था हॉकी खेलने का तो इसी तरह से हमने सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और उसी दिन से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी जितनी सीनियर जो महिला हॉकी की महिलाएं हैं वो अपने सोलन के लिए बिलासपुर में होने वाले टेट टूर्नामेंट जो हो रहे हैं उसमें हम जीत के आएं और आगे वहीं से हम नेशनल के लिए आगे हमारा चयन हो ऐसी मैं आशा करती हूं। मैं शीला कौशल रिटायर्ड टीचर हूं। हम मास्टर गेम के तहत आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हॉकी जो है ये हम मास्टर गेम के लिए जा रहे हैं बिलासपुर स्टेट टूर्नामेंट में। हमारा ये जज्बा कि हम 70 दशक के हम तो 45 साल बाद आज हॉकी उठाई है। हम चाहते हैं कि सारे जो भी खेलते हैं वो आएं ग्राउंड में आएं और खेलें।